स्वागत है। बिप्र सेना ने राजस्थान की दोनों प्रमुख पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में ब्राह्मण समाज की मांगों को शामिल करने की मांग उठाई है। जयपुर के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बिप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सवेश जोशी ने बताया कि ब्राह्मण समाज 19 मार्च को जयपुर में महापंचायत के माध्यम से लंबित मांगों को पूरा करने की चेतावनी दे चुका था और ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 सूत्रीय मांग पत्र को शामिल करने पर जोर दिया, जिसमें मंदिर माफी, जमीन के संरक्षण, EWS आरक्षण को बढ़ाकर 14% करने, सनातन बोर्ड का गठन करने और पुजारियों पर मारपीट गैर जमानती अपराध घोषित करने सहित 5 मांगे रखी हैं। विप्र सेना पिछले 3 सालों से विप्र समाज के हित में, ब्राह्मण समाज के हित में महती कार्य कर रही है, जिसका एक सुखद परिणाम 19 मार्च 2023 को विद्याधर स्टेडियम में देखने को भी मिला था, जब लाखों की संख्या में ब्राह्मण पूरे राष्ट्र से, पूरे राज्य से, आसपास के राज्यों से यहाँ जयपुर की धरा पे आया था। उस वक्त हम दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को हमने ये आग्रह किया था कि विप्र समाज को, ब्राह्मण समाज को उसका उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। अभी हाल ही में जो दोनों पार्टियों ने टिकटें वितरण की है, उसमें कांग्रेस ने 16 सीटें दी है और बीजेपी ने